नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और उसके बाद मंच को नमन करती हूँ। मैं निरुपमा बिस्सा दुर्ग छत्तीसगढ़ से पुनीत अनुपम साहित्यिक महोत्सव के माध्यम से आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ एक रचना। ये रचना एक हास्य कविता है, तो सुनिए और आनंद लीजिए, हंसिए और हंसाइए। यदि आपको ये रचना पसंद आती है तो कमेंट्स और लाइक के माध्यम से अपना स्नेह और आशीर्वाद अवश्य प्रदान कीजिएगा। तो रचना इस प्रकार है। रचना ज्ञान पर आधारित है, शीर्षक भी ज्ञान है और ज्ञान किसका? पतिदेव का। तो ये रचना एक संवाद है पति और पत्नी के बीच का। आइए सुनते हैं पतिदेव का ज्ञान। उन्हें अपने पास बुलाया, धीरे से मैंने फरमाया। उन्हें अपने पास बुलाया, धीरे से मैंने फरमाया, सुनिए जी, मेरी उम्र अब बढ़ती जा रही है, सेहत भी देखो गिरती जा रही है। सुनिए जी, मेरी उम्र अब बढ़ती जा रही है, सेहत भी देखो गिरती जा रही है। कब तक दुपहिए पर रहूंगी सवार, कब तक दुपहिए पर रहूंगी सवार। ले दीजिए ना मुझे भी एक कार, ले दीजिए ना मुझे भी एक कार। कभी तो जताइए ना आप भी करते हैं मुझसे प्यार, कभी तो जताइए ना आप भी करते हैं मुझसे प्यार। पतिदेव लगे मुस्कुराने और फिर ज्ञान की गंगा लगे बहाने। बोले, मेरी प्राणेश्वरी, मैं करता हूँ स्वीकार, मुझे तुमसे है बहुत प्यार। बोले, मेरी प्राणेश्वरी, मैं करता हूँ तुमसे प्यार, मैं करता हूँ स्वीकार, मुझे तुमसे है बहुत प्यार। ये कार तो बेकार है, दुपहिया मोह माया है, उम्र और सेहत के साथ वजन भी बढ़ रहा है प्यारी। तुम दुपहिए की छोड़ो सवारी और पैदल चलने की कर लो तैयारी, और पैदल चलने की कर लो तैयारी। इतने ज्ञान के बाद कार के सपने चूर हुए, इतने ज्ञान के बाद कार के सपने चूर हुए, और हम दोपहिए पर ही चलने को मजबूर हुए, और हम दोपहिए पर ही चलने को मजबूर हुए। धन्यवाद।